नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं एसो पंच नमुक्कारो सर्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भद्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानस्तमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरण बीत रात विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि मंगलाचरण बोलो। कौन नमस्कार करा? वीतराग विज्ञा, वीतराग विज्ञा। लोग एम माने है के आ विज्ञान हमणा आ गया, सौ वर्ष में विज्ञान आ गयु एम माने। परंतु जे विज्ञान आयु ये तो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, एटॉमिक विज्ञान, जे विज्ञान से बता क्या विज्ञान थे। तो अभी अपन नमस्कार किया कि मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि, उनको उनको मैं नमस्कार करता हूं, उस वितराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। कैसा है वो वितराग विज्ञान? जाते हुए अरिहंतादि महा, भगवान भगवान कैसे हुए? भगवान भी एक दिन पहले के जमाने में हमारे जैसे ही थे, भगवान हमारे जैसे ही थे पहले, फिर उन्होंने अपने आत्मा को जगाया, अपने आत्मा को जगाया, उन्होंने भी सत्संग किया, उन्होंने भी सद्गुरुओं के पास से सत्य को जाना और भगवान की वाणी, मैंने उनके पूर्व जो भगवान हुए उनके पूर्व भगवान हुए, भगवान ऐसा नहीं कि ऋषभदेव भगवान के पहले धर्म नहीं था, धर्म तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला। ये बात अलग है कि कोई क्षेत्र में टेम्पररी कुछ समय के लिए वह विलुप्त हो जाए, मगर विश्व की दृष्टि से तो धर्म शाश्वत। और धर्म का के तीन मूल है जो कल बात बताई थी जड़े गुरु जी ने, कि भी सर्वोच्च तत्व है परमात्मा, जो ये परमात्मा, तो ये परमात्मा है, ये तो परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा की फोटो है, जो कुछ भी कहो परम आत्मा। हम भी आत्मा है मगर हम कैसे हैं समझने जैसे, है आत्मा मगर अभी तो अनात्मा जैसे है। जड़ और वक्र बुद्धि वाले हम लोग हैं, हम लोग कैसे जड़, मैंने कितना भी उसको समझाओ मगर हम समझते ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी विकृत हो गई,
और वक्र टेढ़े मायाचार वाले। अपन बाहर में तो बहुत अच्छे दिखते हैं मगर हमारा हृदय अगर किसी ने खोल दिया तो आप सब लोग भागेंगे इधर। अरे कि ये तो सब दुनिया भर का कचरा इधर बहेगा है, इकट्ठा किया। तो यहां बात ये चल रही है कि भगवान भी जिससे महान होते हैं ऐसी भगवान की वाणी शाश्वत है उसको मैं नमस्कार करता हूं। नमो ताही ऐसी वाणी जाते भय अरिहंत आदि महान। भगवान भगवान कैसे हुए? भगवान ने सत्य को समझा, भगवान ने सत्य को स्वीकार किया, भगवान ने सत्य की उपासना की, भगवान ने सत्य का आचरण किया। और वो सत्य बताने वाला कौन? वितराग विज्ञान। उस वितराग विज्ञान की बात आज कुछ मिनटों में हम सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा एकाग्र होना पड़ेगा, थोड़ा अपने दिमाग को कसना पड़ेगा और अपने हृदय को बैठो। वो कहेगा मैं तो बड़ा कलेक्टर हूं, ये क्या सब धर्म फर्म। तो उसको बोला तुम कलेक्टर नहीं हो, कथा आती है भरत चक्रवर्ती की, सभा में बैठे थे और मैसेंजर आया, संदेश वाहक आया कि भगवान महाराजा आपके शस्त्रागार में नवरत्न उत्पन्न हुए हैं और अंतपुर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और कैलाश पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, यानी आपके पिता मगर वो भगवान मन ऋषभदेव जी को केवल ज्ञान हुआ। तो वे क्या करते हैं, तुरंत आदेश देते हैं कल सुबह में जल्दी से जल्दी कैलाश की ओर रवाना होना है और उन दोनों को कह दो, सेनापति को बोलो कि महाराज प्रसन्न है और महारानी को बोलो कि महाराज प्रसन्न है। देखो प्रायोरिटी, हम तो धर्म कब करते हैं जब सब चीज के लिए नालायक हो जाते हैं, न आंख से दिखता है, न कान से सुन सकते हैं, न पांव से चल सकते हैं और न जबान से बोल सकते हैं, तब हम धर्म करना चाहते हैं। ऐसे एकदम होगा नहीं। विश्व का श्रेष्ठ कार्य उसके लिए श्रेष्ठ पराक्रम, श्रेष्ठ पराक्रम करने के लिए अपनी योग्यता भी ऐसी चाहिए। हालांकि योग्यता तो आत्मा की चाहिए मगर आत्मा को भी छद्मस्थ दशा में इंद्रियों की जरूरत है। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहावत है, द डेज ऑफ अवर यूथ आर द डेज ऑफ अवर ग्लोरी, द डेज ऑफ अवर यूथ आर द डेज ऑफ अवर ग्लोरी। तो जो कुछ भी उत्तम कार्य जीवन में करना है वो 55 साल के पहले करना है, 58 साल के पहले करना है, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट भी 58 होने पर रिटायर कर दी, अभी कुछ 60 हो गया या 62 हो गया। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो श्री प्रवचन सार की 200वीं गाथा है, 200। आचार्य कहते हैं, कल उसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी, मैं समता को प्राप्त करता हूं, प्राप्त करने जा रहा हूं, प्राप्त करने का उद्यम करता हूं। समता मैंने क्या, सभी धर्म साधना का सार समता। समता में क्षमा भी आ गई, ब्रह्मचर्य भी आ गया, विनय भी आ गया, समता में ज्ञान भी आ गया, श्रद्धा भी आ गया, सब समता के बहुत नाम है, साम्यम स्वास्थ्यम समाधि योग चेतो निरोधनम
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति एकार्थवाचका संता। अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटेंड इक्वेनिमिटी, एनलाइटेंड इक्वेनिमिटी, सच्ची संता। उसका मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, मैं उसका इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूं, मेरे जीवन में मैं उसको अवतरित करने जा रहा हूं विशेष रूप से, वो तो समता के सागर है ही। आचार्य तो समता के सागर है ही, मगर विशेष रूप से समता को ग्रहण करने जा रहा हूं। जैसे आपको बच्चे से प्यार है ही, आपको बच्चे से प्यार है, मगर जब उसको खिलाते हैं या उसको सुलाते हैं तो विशेष प्यार है। जब उसको खिलाते हैं या उसको चलो चलो भाई गटी गटी कर जाओ, अंग्रेजी में कहते हैं हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तो ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा धीरे 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 वो सो जाते। तो क्या कहते हैं आप, उपरोक्त प्रकार से अभी आगे जरा कल का अनुसंधान करना है। आचार्य कहते हैं कि मैंने मेरे को, मेरे सही स्वरूप को ज्ञाता मात्र निश्चित किया है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, अनंत चीजें हैं, मगर किसी भी चीज से मेरा स्वामी स्वस्वामी संबंध नहीं है। ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, कोई चीज मेरी नहीं है, ये हकीकत है। यहां निश्चय नहीं से बात चल रही, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि भाई ये हमारा लड़का है, ये हमारा मकान है, ये हमारा धंधा है, ये हमारी फैक्ट्री है, वो बात नहीं चल रही। यहां तो मुनि महाराज कहते हैं तो वो तो ऐसे, ये हमारे शिष्य है, ये शास्त्र हमने लिखे हैं, ये मंदिर हमने बनवाए हैं, ये धर्मशाला हमने बनवाई, उसको भी छोड़ते हैं। वो कहते हैं हमने कोई धर्मशाला नहीं बनवाई, हमने कोई मंदिर नहीं बनवाया, हमारा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि शरीर ही हमारा नहीं है। फिर शिष्य तो प्रकट रूप अलग है। तो कहते मैंने मेरे स्वरूप को ज्ञायक मात्र निश्चित किया है, उस ज्ञायक में अब समाहित होता, समाहित होना मायना उसमें लीन हो जाना, एब्सॉर्ब, एकाग्रता से उसमें लीन हो जाना। तो भी किस प्रकार प्रयोग करते हैं तो कुछ अंश ही लेंगे, क्योंकि सब अंश लेंगे तो समय भी नहीं रहेगा, और जो अपन प्रयोगात्मक बात करना चाहते हैं वो रह जाएगी और सिर्फ थियोरी थियोरी रहेगी। तो थियोरी तो है ही, थियोरी तो आगे सब सुना दिया आचार्य ने कि जिसको दुनिया के पदार्थों का स्वामीपना है उसका काम नहीं है मोक्ष मार्ग। जगत के पदार्थों को जो अपना मानता है और उसी को चिपकना चाहता है उसको परमात्मा नहीं मिल सकते, उसको आत्मा का आनंद नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति, उसका उपयोग, उसका जो मन, उसका लगाव, वो तो दूसरी चीजों के प्रति है। तो क्या कहते हैं आचार्य,
आचार्य कहते हैं कि मैं यह मोक्षाधिकारी अपने को मोक्ष के अधिकारी कहते हैं, तो है ही मोक्ष अधिकारी। वो तो अपने लिए बहुत छोटा शब्द उसने प्रयोग किया है, वो साक्षात मोक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से सदगुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अध्यात्म पद्धति से जब अपन सोचते हैं तो परमात्मा यद्यपि पूर्ण शुद्ध है और सदगुरु वो करीब करीब शुद्ध है, मगर फिर भी जब भक्ति मार्ग चलता है या गुरु की महिमा बतानी है तो यही कहा जाएगा कि साहिब का घर संतन माही, साहिब संत कछु अंतर नाहि, साहिब संत कछु अंतर नाहि, साहिब का घर संतन माही। भगवान को देखना है तो कहां देखेंगे आप? बोले मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाएंगे तो आपको मूर्ति के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन करना है तो जीवंत धर्मात्मा जो कि बोधि समाधि की मूर्ति है, परम शांति और आनंद की मूर्ति है, सद्गुरुओं के बड़े बड़े समूह जिसमें कार्यान्वित हुए हैं, ऐसे धर्मात्मा को देखो और उसी को पहचानो। तो यहां कहते हैं मैं अभी मोक्ष लेने को जा रहा हूं, मोक्ष मैं ना परम समाधि लेने को जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? प्रथम तो मैं स्वभाव स्वभाव से ही गिनायक हूं। स्वभाव से तो सब गिनायक है। स्वभाव मायना द्रव्यार्थिक नहीं, की दृष्टि से सब जीव परमात्मा है। कल बात हो गई थी पंडित जी, भोरे जी ने भी अपने को सुनाई थी। यही मार्ग है मोक्ष मार्ग में, जिसको आगे बढ़ना है जल्दी में, उसको सिर्फ 1 घंटे बैठ करके ध्यान करना नहीं है, वो तो करना ही है, उससे आगे दिन भर की चर्या में सबसे आत्मतुल्य व्यवहार करना है, सब में भगवान देख करके ही उसके साथ वर्तन करना है, शरीर से, वाणी से, मन से, अभिप्राय से। कौन सा वचनामृत आता है? वचनामृत नंबर कौन सा है? मोक्षमाला में भी है 67 और पत्रांग 301, उसका पहला चरण। जगत आत्म रूप मानवा मा आवे, जिसको सभी में परमात्मा दिखते हैं वो किसी के राग द्वेष कैसे करेगा? ये भी परमात्मा तो ले, 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 ये भी परमात्मा तो ले। मेरा किसी से राग नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा सभी से निर्व्याज प्रेम है, सभी में मैं परमात्मा को देखता हूं। इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बात में तो सब बोलते हैं, मगर जरा किसी ने गाली गलौज दे दिया तो, जरा नीचे बिठा दिया तो, और जरा रोटी में घी कम डाला तो परीक्षा तो वहां है, यहां तो क्या परीक्षा है? यहां तो कुछ परीक्षा नहीं है। कभी कभी यहां भी हो जाती है, लाइट चली जावे, सुनाई नहीं पड़े, वक्ता बड़ी सभा हो तो बोल नहीं सकता इतना जोर से सब लोग को, तो पीछे वाले क्या ये ऐसी व्यवस्था बना दे, कुछ इन लोगों की व्यवस्था बराबर। तो सब में परमात्मा देखना ऐसा कहते, सब में परमात्मा देखना। अब इसके आगे कहते हैं कि दुनिया के जो विभिन्न पदार्थ झलक रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, 15 मिनट में पूरा करना है। जो ये व्हाइट स्क्रीन है वो हमारा चित्त है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
स्क्रीन ऑफ मेमोरी, मति ज्ञान का पर्दा, वर्तमान हमारा उपयोग, ऐसा समझ, वर्तमान हमारा उपयोग। तो ये मेरे उपयोग में दुनिया के जो भी पदार्थ हैं वो ज्ञेय रूप से झलकते हैं, ज्ञेय है वे झलकते हैं, कोई भी पदार्थ हो। यहां तो आचार्य है तो उनको तो क्या झलकेंगे, भगवान झलकेंगे उनके उपयोग में, या उनके गुरु झलकेंगे, या पंच महाव्रत झलकेंगे, ऐसा विकल्प उनको आएगा। मैं अहिंसा महाव्रत में ही स्थिर रहूंगा, मैं परम क्षमा को धारण करूंगा, मैं 12 भावनाओं से मेरे वैराग्य को बढ़ाऊंगा, मेरा सभी जीवों के प्रति समता भाव है, प्रेम भाव है, किसी भी जीव के साथ मेरे को दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थ के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे को राग नहीं है, मेरे को मेरा चिपकना नहीं है। तो जो जो झलकेंगे उसमें वो कहेंगे मैं आपके वो देखूंगा नहीं। देखो ये अपना मन है, हम ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद है, दुनिया का कुछ दिखता नहीं, नीरव शांति है चारों ओर, और अपन प्रयोग कर रहे हैं ध्यान का। यहां तो विशेष समाधि का प्रयोग, क्योंकि बड़े महात्मा, बड़े धर्मात्मा, उनके लिए ध्यान तो क्या बाएं हाथ का खेल है। ध्यान में आते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ आते हैं, उनको तो ऐसे ही पदार्थ आते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, उनको कोई अपना राज्य याद नहीं आता, वो तो 50 साल के पहले उन्होंने राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिए, बड़े बड़ी अपनी सेना छोड़ दी, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। अगर राजा हुए थे तो, और कई तो ऐसे हुए कि जो 10 साल के 12 साल की उम्र में माता पिता थे उनको भी कहा, अपना संबंध पूरा हो गया। ऐसा चरित्र आता है ना कुनकुन स्वामी का, उनकी माता उसको सुलाने के लिए क्या कहती थी, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से। तो मम्मी को शायद मालूम नहीं होगा कि मैं किसको सुना रही हूं, वो तो शायद सोचती होगी कि ये मेरा बच्चा है, थोड़े बच्चे, ये तो महान योगेश्वर है युग युग के। इन महापुरुषों का वर्णन करना वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे में क्या बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य नहीं जिससे कि सच्चे गुरु और सच्चे महात्मा, ऐसे बड़े युग पुरुष आचार्य अप्रमत्त योगेश्वर हो, उनका वर्णन कोई वाणी का विषय नहीं है। तो जुदे जुदे भाव जो झलकते हैं उसको यहां पर साहित्यिक भाषा में उन्होंने लिखा है। आचार्य बड़े सिर्फ योगी नहीं है, सिर्फ ज्ञानी नहीं है, सिर्फ आचार्य नहीं है, वो बड़े भाषा शास्त्री, बड़े कवि भी है, बड़े न्यायाचार्य भी है, बड़े सिद्धांत आचार्य भी है, और सबसे प्रेम करने वाले साधुओं के भी नायक है। तो दुनिया के पदार्थ किस प्रकार मेरे मेमोरी स्क्रीन में झलकते हैं, मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, उत्कीर्ण चित्रित हो गए हो,
भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, वो स्क्रू लगाते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर से ऐसा फिट कर देता है ना कारपेंटर, कीलित ऐसे लगा दिया कि वो टस से मस नहीं होने पावे। डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हुए हो, इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक भाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, अभ्यासी जीव जिन्होंने ध्यान के प्रयोग किए हैं, परमात्मा का स्मरण बार बार करते हैं, सदगुरुओं का स्मरण करते हैं, उनकी वाणी का चिंतन करते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं, भगवान आए अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में, अपने ज्ञान में भगवान झलके, उनकी वो दृष्टि नहीं देना। भगवान आप आए आए, अभी मैं वेलकम करने वाला नहीं। वेलकम करना वो तो जब सविकल्प चिंतन चल रहा तब है, यहां तो जब स्वयं में डूब जाने वाले हैं तो कोई भी चीज ज्ञान में आई उसको लक्ष्य में नहीं लेना। जैसे आप खाने के लिए बैठे हैं और खाना पूरा हो गया और अपनी माँ या अपना जो परोसने वाला है वो कहता है अरे अरे ले लो दूध पाक ले लो, नहीं 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 नहीं, इस प्रकार कहते कि वो समझ जाता है कि इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नहीं, समझ जाने का दे दो माना नहीं है दे दो। नाना कहने में भी अनेक तरीका है, यहां तो आचार्य कहते हैं इसका वर्णन योग शास्त्र आदि में भी आता है, नहीं। भगवान आए, गुरु आए, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र आए, अभी आप मेरे ज्ञान में आएंगे तो मेरा ज्ञान डिस्टर्ब होगा, मेरा ज्ञान अभी बड़े तालाब जैसा है जिसमें कोई भी तरंग नहीं है, शांत सरोवर रूप मेरा ज्ञान है, उसी रूप में उसी में मैं लीन हूं, तो कोई भी चीज आई तो सरोवर की शांति पत्थर आदि कंकड़ आदि से क्षुब्ध हो जाती है, इसलिए उसको वो स्वीकार नहीं करते। ऐसे यहां पर ध्यान में समाधि में लगे हुए आचार्य कहते हैं अभी थोड़ा विकल्प चल रहा है, ऐसा जब तक करते हैं इसका वर्णन समयसार दोनों कलश में आ 181 और 185। ये जो है वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस समझते हैं, घनीभूत हो रहे हैं, घनीभूत हो रहे। मई महीना में घी कैसा होता है आप ऐसे डालते हैं, और जनवरी में घी डालना है तो आप कैसे डाले, वो तो जम गया,
हमारी चम्मच भी डालते हैं तो चम्मच ऐसी हो जाती है, चम्मच भी ऐसी हो जाती है, निकलता नहीं घी, एकदम जम गए, जम गए अपने आनंद में, अपने ज्ञान में, अपनी निर्मलता में। कोई भी पदार्थ याद आवे तो उसमें प्रोसेस चल रहा, पहले तो विकल्प है आचार्य को, पहले तो भगवान को याद करते हैं शुरू शुरू में तो, या दुनिया के जो पदार्थ याद आते, मगर फिर उसको कहते अब सब चले जाओ, मैं तो अपने में लीन हो रहा हूं। आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या, आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपे हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपे हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हो रहा हूं, मैं जमता जा रहा, जमता जा रहा, जमता जा रहा, कंडेंसेशन कंडेंसेशन, उसका वर्णन किया है समय सार का दर्शन। एक सौ पंचाशी में क्या कहा, शुद्धम चिन्मयम एकम, शुद्धम चिन्मयम एकमेव परमम ज्योतिः सदा एव अस्मि अहम्। ये मैं कैसा हूं, शुद्धम चिन्मय, ये तो बोलने की, अगर विकल्प होगा तब तो ये रहेगा नहीं, टूटेगा, मगर हम लोग तो प्रयोग करना चाहते, तो पहले तो प्रयोग में सविकल्प होगा। शुद्धम चिन्मय एक में परमं ज्योति सदैव अस्मि अहम्, जो 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 याद आता है ये नास्ती से, ये नास्ती से, नेति 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 नेति, अब अस्ति से कहते, अब अस्ति से कहते, नास्ती से तो निकाल दिया, अभी पकड़ा कैसे, अनुभव कैसे किया, प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुणे पातिता सावधाने सूक्ष्मेंतः संधिबंधे, ये संधिबंध है ये और ये बीच, जहां ब्लू कलर व्हाइट कलर में मर्ज होता है, वो जो लाइन है डिमार्केशन, ये ज्ञेय है ये ज्ञाता है, ये ज्ञेय है ये ज्ञाता है, ज्ञाता में डूबे तो आनंद अतिंद्रिय आनंद उत्पन्न होवे, ज्ञेय में होवे तो थोड़ा थोड़ा सात्विक आनंद आवे, वो नहीं चाहिए हमको, हमको तो अतिंद्रिय तात्विक आनंद चाहिए। तो ये जो डिमार्केशन लाइन है, आप समझ में समझते हैं बराबर ना, ये जहां ब्लू रंग तो समाप्त तो होता है और व्हाइट कलर चालू होता है, वहां पर प्रगना छेनी लगाने के लिए आचार्य आज्ञा करते हैं, याद है, याद करना नहीं, सूक्ष्मेंतः संधिबंधे निपतति रभसात् आत्म क
कर्मो भयस्य, ये जो भाव हुआ है भगवान का वो कैसा है? शुभ भाव है, वो कर्म के उदय के धक्के से उत्पन्न हुआ है। ये आत्मा का स्वभाव तो ये है, और ये जो है वो आत्मा का विभाव है। ये आत्मा का स्वभाव है और यह आत्मा का विभाव है। हालांकि हम लोगों को तो ऐसे विभाव को अभी तो रखना पड़ता है, और ये विभाव नहीं रखेंगे तो आप उसके एरिया आएगी, दूधपाक आएगा, लड़का आएगा, हम अपनी मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो अपनी मूछें आ जाएगी, हाँ नहीं तो अपने, हाँ देखो हमारा ये कितनी भी है दुनिया की चीजें वो तो पाप जनक है, उसको तो याद करना ही नहीं। यहां तो जो पवित्रता देने वाली है उसको भी याद नहीं करना, क्योंकि एक रूप हो जाना है। प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथमपि, एट एनी कॉस्ट एंड बाय ऑल मींस, कथम कथम अपि, ऐसा कहते आचार्य। तुम मर जाओ तो मानना नहीं, मगर अपनी समाधि से मत चिगो, अपनी समाधि भाव को मत छोड़ो। बड़े महापुरुष, बड़े महापुरुष, तभी तो भगवान होते हैं। भगवान ऐसे तैसे कोई हो नहीं सकता। हालांकि हमने भगवान ने जाना नहीं, इसलिए हम भगवान होना नहीं चाहते। भगवान को हमारे से थोड़े बड़े मानते हैं, भगवान से हमारे थोड़े बड़ा ज्ञान वाला ऐसा मानते, ऐसे नहीं है। भगवान और हमारे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर्याय की बात है। पर्याय की अपेक्षा हमारा और भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमारे गुजराती में कहावत है, कहां गांगला घाची और कहां राजा भोज। वो गांगला घाची को रोटी नहीं मिलती और राजा भोज रोजाना हजारों आदमियों को खिलाता है, और फिर भी कहता है जिसको जब भी आना है हमारा भोजनालय खुला ही है। वे हमारी और उनकी, हमारे पास सूखी रोटी भी नहीं है, और वो तो मलाई और लड्डू सबको खिलाता ही रहता, खिलाता है। प्रगना क्षेत्री शीतेयम, शीत शीत मायना वो शार, प्रगना क्षेत्र धारदार, प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथम अपि, निपुण ही कौन कर सकता है ऐसा जो तत्व ज्ञान में निपुण है, स्वपर को बराबर जान। पातिता सावधान ही, सावधान है, इतना शार्प शूटर है अर्जुन जैसा, देख तो रहा है पानी में, और वो मछली का जो रमकड़ा फिरता है उसकी आंख जो ऐसी ऐसी फिर रही है, और पांव तो तराजू में है, और ऐसा देखता है और ऐसे बाण लगाता है, कितनी एकाग्रता चाहिए। इसलिए दो शब्द लगा है, निपुण ही सावधान ही, और कैसे कथम अपि, प्रगना क्षेत्री शीतेयम कथम अपि निपुण पातिता सावधान ही सूक्ष्मेंतः संधिबंधे। ये जो इसकी जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत बड़ी सूक्ष्म है। इग्ने ग्नायक में ऐसा एक रूप हो जाता जिससे कि हम उसको एकदम, हमको मालूम ही नहीं कि हम विचार करते हैं। ध्यान करने को बैठते हैं ना तो कहां से कहां चले जाते हैं। ध्यान करने के लिए बैठते हो, दुकान में गए और दुकान में ग्राहक से कहते इतना रुपया ले लो और इतना रुपया दे दो, अच्छा अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, छूटे तो मैं ले ला करके आता हूँ। अभी अभी यहाँ तो ध्यान करने को बैठा है और वहां पर ग्राहक के साथ कितने भी छूटे पैसे, क्या बात चल रही। तो सावधान, सूक्ष्मेंतः संधिबंधे निपतति रपसात आत्म कर्मो भयस्य। अभी यह इसका वर्णन कर, ये कैसे आत्मानं मग्नम अंत स्थिर विशद लसद धामनी चैतन्य पूरे।
बस सर, दुनिया की सर्वोपरि चीज प्राप्त हो गई, इससे ऊपर कोई चीज नहीं। स्वानुभूति से बड़ी कोई चीज नहीं, इसलिए इतने विशेषण लगा दिया, मग्नम अंतः स्थिर विशद लसत धामनी चैतन्य पूरे, ऐसा मैं हूं। और ये बंधम च अज्ञान भावे नियमितम अभी तक कुरुवती भिन्न भिन्न। आपको किसी ने केला दिया, बहुत बड़ा रत्नागिरी का, पीले रंग का, बहुत आता है रत्नागिरी का केला, कहां का आता है? लिया आपने तो बहुत आपको भाता है, बहुत भूख लगी है तो एकदम खा लेते। नहीं साहब, आपको मालूम नहीं कैसे केला खाना। हाँ, उसका डीटा निकाल दिया, फिर वो छाल को ऐसा कर दिया, छाल भी खा जाओ। केला खाना चाहिए, छाल तो फेंकने के लिए। तो ये उनकी अपेक्षा, ये तो छाल है और ये तो केला है, तो ये तो केले को तो खाएंगे और छाल को नहीं खाएंगे। तब जाके आत्मा का अनुभव होता है। बंधम च ज्ञान अज्ञान भाव, बंधम च अज्ञान भावे नियमितम अभी तक कुर्वती भिन्न भिन्न। मेरा है तो मेरा है, इसको मैं अंगीकार करता हूं, और ये मेरा नहीं है तो उसको मैं अंगीकार नहीं करता हूं। मेरा है तो उसी को अंगीकार करके मैं उसमें डूबता हूं, और ये जो है वो मेरा नहीं है, यानी मेरे स्वभाव का नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूं। इसको कहते भेद विज्ञान की सिद्धि, इसको शास्त्र भाषा में कहते भेद विज्ञान की सिद्धि, शुद्धोपयोग की उपलब्धि, समाधि की प्राप्ति। बस बार बार के प्रयोग से, बार बार के प्रयोग से, सिर्फ बार बार महीना फ्रीक्वेंसी वाइज भी, दो बार तीन बार चार बार ऐसे नहीं, क्षण क्षण हर क्षण हर कार्य हर ये हर प्रसंग में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। विशेष रूप से तो ध्यान में, मगर जब दुकान में हो, घर में हो, रसोई घर में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, मैं यज्ञाता और यह जो है अग्नि, मैं यज्ञाता यह जो है सुग्नि, ऐसा एक निरंतर हमको विज्ञान करते रहने की एक अभ्यास। अभी एक आधे घंटे के बाद खाने को बैठेंगे तो क्या सोचेंगे, ये थाली रूपी पुद्गल परमाणु है, इसमें रोटी रूपी सब्जी रूपी पुद्गल परमाणु है, उसको ये हाथ रूपी पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, और हाथ रूपी पुद्गल परमाणु रोटी रूपी सब्जी रूपी पुद्गल परमाणु को मुंह रूपी पुद्गल परमाणु में प्रवेश करा रहा है, और वे परमाणु ये अन्न नली रूपी परमाणु में से होकर जठर में जाकर आंत में जा रहे हैं, इन सब जो हो रहा है उसी का मैं ऐसी दृष्टि बना सक कर तो नहीं सकते, जब खाना खाते हैं तो ध्यान तो नहीं लगेगा, मगर ध्यान की दृष्टि बना सक, ध्यान की दृष्टि बना सक, और वो ही दृष्टि फिर आगे जा करके वृत्ति हो जाती है। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा करता है वैसा हो जाता है, सच्ची श्रद्धा करेगा वैसा, ऐसी दृष्टि करना, ऐसे भाव करना, ऐसा बार बार अभ्यास करना, ऐसी स्थिरता करना, उसका अनुभव हो जाएगा।
इस प्रकार यहां पर जो बात हुई 10-15 मिनट ज्यादा हो गई। अपने में लीन हो जाते, कर्म का धक्का जोर से आता है तो समाधि टूटती है, तो सविकल्प समाधि होती है। मैं परमात्मा का सेवक हूं, मैं गुरुओं का दास हूं, मैं धर्म का पालनहारा हूं, मैं क्षमा का अभ्यास करने वाला हूं, मैं विनय का अभ्यास करने वाला हूं, ऐसा चिंतन चलेगा। इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से फिर इसमें जाएगा। ऐसी बड़े धर्मात्माओं की इधर में से कभी इधर आ जाते हैं, इसमें से कभी इधर आते हैं, ऐसा करते करते एक दिन तो बहुत शक्ति बढ़ जाती है, तो उसको जैन परिभाषा में कहते हैं निर्बीज समाधि में चले जाते हैं। सविकल्प समाधि में से निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में से निर्बीज समाधि, मायना श्रेणी कहते हैं उसको, श्रेणी में चढ़ गए और परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में ज्ञान में लीन होना, ज्ञान में जमना, ज्ञान में रमना, ज्ञान में स्थिर होना, ज्ञान में दृष्टि करना, ज्ञान में लक्ष्य बनाना, ये करना। और जो ज्ञेय है ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही ज्ञेय। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से भेद ज्ञान की मात्रा तीव्रता बढ़ती है, और जब संपूर्ण भेद ज्ञान हो जाता है तब फिर वो धर्मात्मा परमात्मा हो जाता है, वो धर्मात्मा परमात्मा हो जाता है। या सामान्य धर्मात्मा हो तो बड़ा धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। इसको गुणस्थान की व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार अपन थोड़ा अध्ययन 200वीं गाथा के माध्यम से किया। दिव्छता जेनी दशा वरते देहाते ते ज्ञाने ना चरणम ओ वंदन। महावीर स्वामी भगवान की, सब संतन की, ओम शांति शांति शांति। हूँ आत्मा छु, आपनो सेवक छु, सौनो मित्र छु। हूँ आत्मा छु, आपनो सेवक छु, सौनो मित्र छु। हूँ आत्मा छु, आपनो सेवक छु, सौनो मित्र।